स्टूडेंट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे मल्टीप्लाई नंबर्स बाय ड्राइंग अ लाइन, जिसमें हम लोग कुछ लाइंस को ड्रा करेंगे और उसके मल्टीप्लीकेशन आंसर्स को बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। यहाँ पे नंबर्स गिवेन है 23 मल्टीप्लाई 22। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ लाइन्स को ड्रा करना है, ऐसी लाइन्स ड्रा करनी है और इसके आंसर्स को बता देना है। तो इसका आंसर्स क्या आएगा, 506। क्या आ गया, 506। कुछ काउंट्स करेंगे और उसके बाद नंबर्स बता देंगे। तो इसके लिए चलिए हम लोग फुल मेथड बेस के साथ देखते हैं क्या इसका कॉन्सेप्ट है, जिससे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर 13 एंड सेकेंड नंबर 14 है। तो फर्स्ट नंबर के फर्स्ट डिजिट यानी 10th प्लेस के डिजिट्स को ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेंगे। सेकेंड डिजिट आपकी 3 है, थोड़ी सी डिस्टेंस पर सेकेंड लाइन ड्रा कर लेंगे। 3 लाइंस को 1, 2 एंड 3 लाइंस को ड्रा कर लिए। इसके बाद सेकेंड नंबर आपका क्या है, 14। तो 14 के फर्स्ट डिजिट को यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस में लाइन ड्रा करनी है, 1 लाइन ड्रा कर लिए। सेकेंड डिजिट आपका 4 है, तो 4 लाइंस ड्रा कर लेनी है, 1, 2, 3 एंड 4। ये जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं इनको काउंट कर लेना है। काउंट करने के लिए इस तरीके से हम लोग इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अब इसी डॉट्स को हमें काउंट करके इसके नंबर्स को लिखना है। तो चलिए देखते हैं कितने डॉट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो क्या आ गया, ये लिख देंगे 12 का 2, 1 आपका कैरी आ रहा है तो 1 कैरी यहाँ पे काउंट हो जाएगा, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्या डिजिट आया, 8, यहाँ पे लिख लेंगे 8। एंड नेक्स्ट क्या है, 1, तो 1 आ जाएगा इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या आ गया, 182। देखा आपने कितना ही सिंपल है, नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 मल्टीप्लाई 15 है, तो इसके लिए भी हम लोग इसी तरीके से कुछ लाइंस ड्रा करनी है। तो फर्स्ट आपका डिजिट 1 है, तो 1 लाइंस को ऐसे ड्रा कर लेनी है। सेकेंड डिजिट आपका 2 है, तो थोड़े से डिस्टेंस पे 2 लाइंस ड्रा करना है। सेकेंड नंबर का फर्स्ट डिजिट आपका 1 है, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर 1 है तो 1 लाइंस को ड्रा करना है। एंड सेकेंड डिजिट आपका 5 है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 लाइंस को ड्रा कर लिए। ठीक है, फिर हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट डिजिट आंसर यहाँ से मिल जाएगा, सेकेंड डिजिट आपका ये और थर्ड डिजिट ये, तो इसको अलग कर लिए। अब इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के डॉट्स को काउंट कर लिए। कितने हैं, 10, 10 तो 0 यहाँ पे लिख लेंगे एंड वंस को क्या करेंगे, कैरी और इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो 1 आपका कैरी है एंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो सेकेंड डिजिट क्या आ गया, 10th प्लेस पे 8। नेक्स्ट कैरी है नहीं, तो कैरी के प्लेस पे 0 है, तो 0 प्लस 1, 1 डॉट, तो 1 आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया 100 प्लेस पे। तो 12 मल्टीप्लाई 15 का आंसर क्या आ गया, 180। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 2 डिजिट्स के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशंस देखा। इसी पैटर्न्स पे हम लोग 3 डिजिट नंबर्स का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लाई हम लोग मल्टीप्लाई नंबर्स बाय ट्राइंगल लाइन के मेथड से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड को जापानीज मेथड भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 डिजिट्स के नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लाई के लिए हम लोग को क्या करना है, इसके लिए हम लोग 3 डिजिट्स के नंबर के लिए भी उसी पैटर्न्स पे हम लोग को लाइन ड्रा करनी है। तो लाइन ड्रा करने के लिए फर्स्ट हम लोग को क्या है, 1, तो 1 लाइंस को ड्रा करनी है इस तरीके से। सेकेंड डिजिट 2, तो थोड़े से डिस्टेंस पे हम लोग 2 लाइंस को ड्रा करना है, 1 लाइन एंड सेकेंड लाइन। नेक्स्ट 3 है, तो 3 लाइंस को ड्रा करना है सम डिस्टेंस पे, 1, 2 एंड 3, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है, 1, तो 1 नंबर लाइंस को ड्रा करनी है इस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट क्या है, डिजिट 2 है,
तो टू लाइंस को ड्रा करना है, ठीक है। इस तरीके से लाइंस ड्रा हो गया। अब हम लोग को इन डॉट्स को काउंट करना है, तो हम लोग इसको पार्ट्स बाय कर लेते हैं, कौन से नंबर्स कहाँ पे लिखने हैं। तो आप इसको राउंड कर लेते हैं थोड़ा सा। आंसर्स का फर्स्ट डिजिट, आंसर सेकंड डिजिट, आंसर्स का थर्ड डिजिट आपको यहाँ से मिल जाएगा एंड फोर्थ डिजिट यहाँ से मिल जाना है, ठीक है। तो चलिए डॉट्स को काउंट करते हैं। तो फर्स्ट आपका काउंट करना है यहाँ से 1 2 3 4 5 6, सिक्स डॉट मिल गए। तो सिक्स आपका कहाँ पे आ जाएगा, आंसर्स के फर्स्ट वंस प्लेस पे। सेकेंड आपका 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ गया आंसर, 10th प्लेस पे 7। नेक्स्ट 1 2 3 4, क्या आ गया आंसर, 400th प्लेस पे। एंड लास्ट आपका क्या है, 1, ये आपका 1 हो गया। तो आपने देखा 123 × 12 = 1476, ये इसका आंसर हो गया। अब कैरी आता है तो उसको अदर नंबर डिजिट्स के साथ काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो आपने देखा मल्टीप्लाई नंबर्स बाय ट्राइंगल लाइन से हम लोग टू डिजिट थ्री डिजिट्स एनी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल मेथड से 5 से 6 सेकंड्स में ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।